हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सब, बताइएगा ज़रूर। और ये मैं एडिटिंग संडे को ही, संडे है आज मेरे ख्याल में, हाँ संडे को ही कर रही हूँ। वैसे ये क्लिप्स जो हैं पिछले कल की है, शनिवार की। तो हम गए थे थोड़ा सा सामान लाने गायों को, और ये हनी भी गया था मेरे साथ, वो शूट कर रहा है। और आगे ये देखिए हमारा रोड, और कुछ बातें भी करती रहूँगी मैं वॉइस ओवर में ही, तो वीडियो देख लीजिएगा ध्यान से। हो सकता है कहीं आपके ही काम की हो या आपका ही नाम हो, कुछ भी हो, किसी का बर्थडे होगा आज तो हैप्पी बर्थडे, एनिवर्सरी होगी तो सभी के लिए, मतलब जिन जिन की होगी उनको हैप्पी एनिवर्सरी। तो चलो कुछ बातें करते हैं। और धुंधलापन आ रहा है शीशे में, साफ नहीं है शायद। तो चलो आपको रोड भी दिखाती रहूँगी, आगे बहुत अच्छी अच्छी जो है सीनरी है। और हाँ, मुझे काफ़ी कमेंट्स में बहुत सारे आते हैं लोगों के मैसेज की, मतलब जो न्यू क्रिएटर हैं, जो नया जो वीडियो बना रहे हैं आजकल, कि हम आपके ऊपर वीडियो बना दें। इंस्टाग्राम पे भी आते हैं, तो क्या ऐसा, तो बस कोई बात नहीं, आप बना लीजिए मेरे ऊपर वीडियो, बट पॉजिटिव बनाइएगा। क्योंकि मैं अपनी बात बताऊं, मुझे लोगों ने बहुत प्यार किया है, सबको करते होंगे, हाँ मुझे नहीं पता, बट मैंने ना तो आज तक अपने चैनल को, चैनल पे किसी का नाम लिया है, मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरा रखा है अपने चैनल को, बिल्कुल क्लीन। मैं इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं चाहती कि कोई गलत जो है, आप यूज़ करो, टाइटल अच्छा दो, कुछ भी है थंबनेल लगाओ, लेकिन पॉजिटिव बोलो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हारा मेरा नाम लेने से, मेरे नाम पे वीडियो बनाने से तुम्हारा वो जो है वॉच टाइम या सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप बना सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहोगे बनाओगे, आप बना सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उस बात के लिए। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे दुकान, और फिर यहीं को सामान ढोएंगी हम, दुकान की मैंने नहीं बनाई है। तो ऐसी बातें, आप वीडियो बना सकते हो पर बस पॉजिटिव बनाइएगा, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे थे, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। कई दिनों से सोच रही थी मैं कि मैं बोलूँगी भाई हाँ बन, एक ही बार बोल दूँगी मैं, किस किस को रिप्लाई दूँ कि हाँ बना लो बना लो। तो बस ये मैंने आपको सीनरी भी दिखा दी, और जिस भी किसी के काम की होगी वीडियो वो देख लेगा। और इस तरह से अच्छी बात है, फ़ायदा हो आप लोगों का, मुझे खुशी होगी। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी अपने जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे यूट्यूब फैमिली से हैं, कि आपको मैं अच्छी लगती हूँ बहुत अच्छी बात है, बट किसी के भी चैनल पे जाके ये मत बोलिएगा कि मधु अच्छी है और तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, बहुत हर्ट होता है, बहुत बुरा लगता है। ठीक है, हर एक इंसान जो अपना 100% देने की कोशिश करता है, वीडियोज़ बनाता है, गाने डालता है, कुछ भी करता है, बहुत मेहनत लगती है। मैं नहीं चाहती कि ये बोले कि आप लोग मेरा वीडियो शुरू से देखते हो और फिर यहाँ पे आके ये बोलो, ये मत बोलना आप कि मधु बहुत अच्छी वीडियो बनाती हो, आप मेरे चैनल पे आके बोल रहे हो, मुझे बहुत खुशी है। और कुछ लोग करते हैं ना ऐसा कि किसी के चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे बोलेंगे तुम अच्छा बनाती हो, वो फलानी यूट्यूबर अच्छा नहीं बनाती। यार सभी मेहनत करते हैं, मैं सभी लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत कदर करती हूँ, और किसी का भी दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। ठीक है, आपको मैं अच्छी लगती हूँ बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी होती है, आपका भी कनेक्शन मेरे साथ जुड़ा है, बस आप किसी और को नहीं बोलना। स्कूल के पास पहुँच गए हो कि जो है मधु अच्छी है तुम अच्छी नहीं हो, ऐसा मत बोलना, बस मुझे बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, तो ये स्कूल की यहाँ पे बाउंड्री वॉल ये पीछे जैसे लगाई अभी, तो यहाँ पे ये बैठे थे कबूतर हैं शायद, कि घुग्गी ये पता नहीं क्या है, मुझे दूर था ना, मैंने जूम करके ले रही थी तो तेरे को उड़ गया जितने को मैं नज़दीकी में, यहाँ पे ना शिया को
और परी को और गायों को जो है कीड़े की दवाई लाने गई थी, पेट के कीड़ों की दवाई ना, यहाँ पे ये क्लिनिक है तो यहाँ पे गई थी मैं। तो आगे हम सामान लेके और अभी घर को जा रहे हैं। गायों को लाया और घर को भी लाया, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा सामान, छोटी छोटी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं जल्दी। हनी फीड की बोरी लेके आएगा और मैं छोटा सा सामान लेके जा रही हूँ। तो चलो मिलती हूँ आपसे घर में, दिखाऊंगी भी आपको, ठीक है। बादल हैं आजकल भी, अजीब जैसा मौसम है। मैं पहुँच चुकी हूँ, ये देखो आशु के घर में। आशु का घर वैसे पार है, जो इन्होंने नया बनाया ना, ये यहाँ पे इनका पुराना घर है और इसकी शादी नए घर से होगी। मैं आप सबको बुलाऊंगी, जरूर आना बोल रही है। हेलो बोल दे भाई सबको आशु। हेलो, हाय, पूछते पूछते हैं तेरा हाल चाल, बोले आशु कैसी है। तू ही तो आई है मेरी वीडियो में आज तक, और तो कोई आया नहीं है। तो रहा तो शादी है तो जरूर इसके बोलती लॉकडाउन रहा तो शादियाँ कैंसिल सारी। तो मैं अभी घर जा रही हूँ। ये आती है, मतलब ऐसे आती है कि बिल्कुल बिंदास होके आती है वीडियो में, और मैं किसी को लाती भी नहीं बिना बोले। तो अभी मैं इसके घर के पास पहुंची हूँ जस्ट, पर मैं रुकूंगी नहीं। अभी ये बोलेगी बैठो, मैं नहीं रुकूंगी। मैं बोलूंगी वैसे मुझे नहीं, मैं बोलूंगी मुझे नहीं बैठना है, मुझे भूख लगी है, मैं सामान लेके आ रही हूँ। बस आसू चलिए सामान ले आया। तो ये है ना, ये जो है, हाय बोबो बोलते हैं हम, जेठानी को बोलते हैं हम बोबो, और वैसे दीदी बोलते हैं कई जगह, पर मैं वही बोलूँगी जो मैं बोलती हूँ। ये नहीं है कि यहाँ पे दिखावा करूँ कि मैं दीदी बोलती हूँ, कई लोग दीदी बोलते भी हैं। और ये आशु की मम्मी है, ये देखो ये जौ ना, इन्होंने ये जौ अलग कर दिए, मतलब काटे फिर वो कर दिए, फिर उसके बाद इन्होंने अलग कर दिया इनको। ये चले आजकल गांव में हमारे काम, और कणक हमारे अभी बहुत लेट होगी। और मैंने सुबह आपको खेत दिखाया था ना, वो इन्हीं का खेत था जो जिसमें गेहूँ लगा है ना बहुत ज़्यादा, तो वो इन्हीं का खेत था। आशु बोलिए कि कणक कटाने आ जाओ सब लोग। मैं नहीं काट सकती, धूप लगती है मेरे को। चलिए ठीक है, कर आशु हाय बाय। देखो मैं आपको मेरे बाल तो नहीं इतने खूबसूरत, मैं आपको ना आशु के बाल दिखाती हूँ। और अगर आप किसी को ब्यूटी टिप्स चाहिए होंगे तो इसने जो है वो ब्यूटिशियन किया है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं आशु, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटिशियन जो भी है। तो ये अभी ना जब मैं वो वाला वो करूँगी ना, क्या बोला था मैंने आपको, साड़ी पहन के, तो ये करेगी मेरा मेकअप, उस टाइम आप इसको देखोगे वीडियो में। पर लॉकडाउन खुलने के बाद मैं, हम दोनों आएंगे फिर ये मेरा मेकअप करेगी, दुल्हन बनाएगी। इसके बाल देखो कितने सुंदर है, हाँ। आपको भी चाहिए होंगे ऐसे कुछ टिप्स तो मैं इससे वो बताऊँगी आपको, रिकॉर्ड करवाऊँगी आपसे इससे, तो आपको बताऊँगी, मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो जैसा आपको पता है कि मैं दुकान गई थी और मैं दुकान से थोड़ा सा सामान लेके आई हूँ, थोड़ा सा नहीं बहुत बहुत हो गया था। गायों का सामान भी था, वैसे तो हमें दो बोरियाँ ना उनसे मंगवा दी थी, क्या बोलते हैं उनसे, दूध वालों से ही, तो कुछ लाया हम खाने का, थोड़ा थोड़ा लाते हैं हम, ज़्यादा नहीं लाते ना, वैसे एक महीने का ले आना चाहिए साथ में एक ही बार ने। तो और कुछ दवाई भी थी, चलो मैं आपको बताती हूँ। ये मैं राजमा लेके आई और तो गिर गई, इसमें डालते हैं। ये ना माँ दरुआ है, और ये डब्बे भी लेके आई मैं ऐसे दो, इतने प्यारे हैं ना ये डब्बे, ये देखो ये इनके ढकने ढक्कन है, ये डब्बे, ये दोनों डब्बे कितने प्यारे हैं देखो नहीं, ठीक है। आटा उटा रखने को जाते हैं ना, मेरे पास प्लास्टिक के ज़्यादा है, और मेरे को बहुत बोलते हैं कि प्लास्टिक में गर्म चीज़ नहीं रखनी चाहिए। और ये नमक, ये नमक लेके आई थी, और ये शक्कर, फैक्ट्री की शक्कर, चीनी नहीं शक्कर। मुझे ना एक दिन कमेंट आया था किसी का कि आपकी शक्कर जो चीनी है वो लाल क्यों, वो नहीं थी वो, ये शक्कर है वो चीनी थी। और ये मैं तेल लेके आई, ये वाला, ये ज़्यादा पता क्यों लाया हमने, वैसे तो डिपू में भी मिल जाता है, पर ये आजकल गर्मी है ना तो गायों को देना पड़ता है, और जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं ना दोनों सी और परी, उनको दूंगी मैं, उनसे ना चिड़ नहीं पड़ते इससे, क्योंकि वो फीड खाते हैं गाय तो गर्मी हो जाती है, तो फिर उनको ये चीज़ें तेल जो है हमेशा देना पड़ता है। और ये आलू प्याज,
ये आलू प्याज है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके लाई मैं आलू प्याज भी। ये विम्बार है, ये कैसा दिया उसने। वैसे तुम राख से धोते ना बर्तन, पर जो गैस के होते हैं सिंक में और उनको धोना पड़ता है इससे, क्या बोलते हैं इसे, विम्बार से। और एक मैं ये लेके आई पार्ले जी का बिस्किट, और ये लेके आई मैं एक ना ये इसका मीठा बनाऊंगी मैं, मीठा रस का बहुत अच्छा होता है, मुझे टाइम लगेगा ना तभी तब बनाऊंगी। और कुछ नहीं, हाँ अब मैं नीचे नहीं जा सकती, नीचे फीड की बोरी है, तारा मेरा है, और एक होती है ना पशुओं को वो क्या बोलते उसको खल वो है, तो अब वो नीचे है मतलब जहाँ पे गायों का सामान रहता है, स्टोर रूम ही है वो, वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं जाऊँगी अभी। इस गाने बंद कर दो, इस गाने बंद कर दो, ये रिकॉर्ड ही जाना। हाँ लगे तो यार वो इन्होंने ना गाना लगाया अपने फोन में, इतना सा भी अगर हो जाए ना पीछे से रिकॉर्ड तो बिल्कुल वाईटी बिल्कुल मना कर देता है कि कॉपीराइट दे देता है, तो इसलिए नहीं मतलब गाना नहीं हम वो कर सकते। और मैं चट अनार दाना भी लेके आई थोड़ा सा, वैसे तो हमारे अपने होता है पर जितने को पकते हैं ना वो दाड़ू अनार दाना दाड़ू बोलते हैं हमारे, तो उतने को वो मतलब कोई और ही ले जाता है, अपने भी हमारे थोड़े से पेड़ ना। और आप बताना मुझे कैसा, बस यही यहाँ ये भी लेके आई मैं, 80 रुपये की मिल रही थी 5, तो मैं इनको लेके आ गई, ऐसे एक दो ही लाते हैं हम कभी कभी। और बस हाँ ये मैदा भी लेके आई मैं, इसका भी बनाएंगे कुछ ठीक है। और ये बिस्किट, मैं ये वाले बिस्किट मुझे अच्छे लगते हैं, मैं पार्ले जी वगैरह वो नहीं खाती, ये वाले बिस्किट मुझे, वैसे तो मैं खाती नहीं ऐसा जरूरी नहीं, ये वाले होते तो थोड़े से हैं पर होते बहुत अच्छे हैं, नहीं बहुत टेस्टी होते हैं कुकीज़ के, तो ठीक है। और मैं आपको गाना सुनाऊँगी आज, मुझे पता है बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा पर मैं फिर भी सुनाऊंगी क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको अच्छा लगता है, तो मैं एक छोटा सा गाना सुनाऊंगी माता रानी का। मैया मेरा दिल खो गया इन पहाड़ों में, मैया मेरा दिल खो गया इन पहाड़ों द्वारा है माँ, बड़ा प्यारा है माँ तेरा द्वारा है माँ, बड़ा प्यारा है माँ ऐसा द्वारा ना देखा हजारों में। मैया मेरा दिल खो गया इन पहाड़ों में। जय माता दी, बस यही था मेरा वीडियो आज का, कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और अगर हाँ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करना, कमेंट 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 जरूर करना, आपके कमेंट से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ और मुझे फिर ऐसा लगता है कि नहीं मैं अच्छा काम कर रही हूँ। और गलतियाँ तो बहुत सी होती हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि अच्छी वीडियो बना सकूँ। तो जय माता दी, राम राम।